हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैगी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। मैगी आप सबने खाई होगी, कुछ ने सिंपल बना के खाया होगा और कुछ ने इसमें तरह तरह का एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। आज मैं आपको एक अलग तरह की मैगी बना के दिखा रही हूं, जो बहुत ही चटपटी और टेस्टी बन के तैयार होती है और इसकी रेसिपी भी काफ़ी ईजी है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ दो मैगी लिया है और इसका मसाला मैं बाद में डालूंगी। सबसे पहले इसे उबालेंगे। नूडल्स को मैंने यहाँ तोड़ लिया है। यहाँ मैंने एक पतीली में पानी लिया है 2 गिलास और उसे उबलने के लिए रख दिया है। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें मैगी डाल देंगे। और मैगी के गल जाने तक इसे उबालेंगे। जब तक मैगी तैयार हो रही है, बॉयल हो रही है, तब तक कुछ और मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून गार्लिक लिया है और जिंजर लिया है 1 टीस्पून। इसे ग्रेट कर लिया है और इसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। चिली सॉस डालेंगे इसमें। 3 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे। सिरका डालेंगे 1 टीस्पून। 1/2 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से। इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसे एक साइड रख देंगे। स्प्रिंग अनियन लेंगे 2 टेबल स्पून। ये गार्निशिंग के लिए है और ऑप्शनल है। और यहाँ पे सेसमी सीड लिया है 1 टीस्पून। और मैगी मसाले का 1 पैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ दोनों यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 1 पैकेट यूज़ करेंगे। मैगी बॉयल हो गई है, अब इसे छान लेंगे। मैगी को मैंने छान लिया है और इसका पानी अलग कर लिया है। थोड़ा पानी मैं उसमें यूज़ करूँगी, इसलिए अभी इसे फेंकूँगी नहीं। एक कढ़ाही या पैन गरम करेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसमें चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर डालेंगे। दस से 20 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें जो मिक्स किया हुआ सॉस है और सिरका, चिली पाउडर सबको ऐड करेंगे। कुछ देर के लिए इसे, कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब मिक्स करेंगे। अब इसमें मैगी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये वही पानी है जो मैंने मैगी को उबालने के लिए यूज़ किया था। अब इसमें मैगी मसाला डालेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने लो ही रखा हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप थोड़ा जूसी चाहते हैं तो इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसमें स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा सेसमी सीड डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब यह सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड से गार्निश करके सर्व करें। बहुत ही मज़े का तैयार होगा। बहुत ही मज़े की मैगी बनके तैयार हुई है और इसे टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही यमी बनके तैयार हुई है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बिल्कुल पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।
अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।